हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप न्यू ट्रेंडिंग वेडिंग एनिवर्सरी स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो फोटोज के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वेडिंग एनिवर्सरी वीडियो बनाने का, वो काफ़ी आसान होने वाला है। और वीडियो बनाने के लिए हम अलाइट मोशन का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास अलाइट मोशन ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन कर लेना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, अब एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ना यहाँ पे जो टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक अपलोड XML फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके मदद से आपको यहाँ पे एक XML फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास XML फाइल होना चाहिए। सो XML फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहाँ से आप XML फाइल को सेव कर लेना। ठीक है, XML फाइल आपको सेव कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल मैनेजर होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ से आप डाउनलोड वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने डाउनलोड किया है तो उसी फोल्डर में होगा, सो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको XML फाइल को सेलेक्ट करना है। XML फाइल का नाम मैंने रखा है फुल प्रोजेक्ट, तो आप ये नाम से देख के भी इसे पहचान सकते हो। सो आप यहाँ से XML फाइल को सेलेक्ट कर लेना, जैसे ही सेलेक्ट करो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें दिख रहे होंगे। तो इनमें से ना आपको जहाँ जहाँ पे भी इमेज दिख रहा है कपल्स की इमेज, उन इमेज को आपको चेंज कर देना है अपना इमेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जो इमेज आप यूज़ करना चाहोगे उसे आपको वहाँ रखना है, तो चेंज करना काफ़ी आसान होगा। लाइक यहाँ पर इमेज दिख रहा है तो यहाँ पर आप आना एंड उसके बाद यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। नाउ हमें यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करना है, तो फिर से आप यहाँ पे थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे इमेज होगा। लाइक हम ये वाला फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज जो हमारा वो ऐड हो गया है, बट इसमें आपको एक दिक्कत दिख रहा होगा कि हमारा जो फेस है ना वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके का कभी आपको साथ प्रॉब्लम आए तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप अपने गैलरी को ओपन करना एंड जो फोटो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लाइक ये वाला फोटो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस फोटो को आपको क्रॉप कर देना। क्रॉप करने के लिए एडिट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, फिर क्रॉप के ऊपर जाके यहाँ से फेस के आसपास क्रॉप कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर आपको डन करके सेव कर लेना है। ओके, अब इस इमेज को आप यूज़ करोगे तो उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड इसे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस के ऊपर जाके ये वाला क्रॉप वाला फोटो सेलेक्ट कर लिया, फिर प्ले करके देखें तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये अगर प्रॉब्लम आता है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इमेजेस भी ऐड करने का सेम तरीका होगा, इनके ऊपर क्लिक करके ये रिप्लेस का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर फिर से क्लिक करना होगा, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट इमेज सेलेक्ट कर लेना, फिर प्ले करके देख लेना अच्छे से हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो क्रॉप कर लेना, बट ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसी तरह से रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाके फिर से यहाँ से इसे चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इमेज हमारा सारा ऐड हो चुका है। अब इसमें आपको एक सिर्फ छोटा सा काम करना है, वो ये है कि ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो उनका डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसे डिज़ाइन को आपको बदलना होगा। सो इसे चेंज करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको इसका जो कैमरा रहता है ना उसे इनेबल करना है। क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करोगे कैमरा का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, ये इनेबल हो जाएगा। ओके, सिंपल सा चीज़ है, इतना ही आपको करना है। नाउ उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाना, इसे क्लोज कर सकते हो, आप नीचे चले आना एंड यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे VCU है तो इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, फिर आपको एक एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करना देन यहाँ पे आपको फॉन्ट दिख जाएगा। ठीक है, फॉन्ट से ही मतलब डिज़ाइन बदलता है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर व्यू ऑल फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट आ जाएंगे, बट इनमें ना उतने अच्छे वाले फॉन्ट नहीं होते, इसलिए हमें फॉन्ट यहाँ पर ऐड करना होगा।
तो फॉन्ट ऐड करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद इंपोर्ट फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इससे आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा, देन अगेन आपको यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, देन डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, क्योंकि डाउनलोड में ही तो रहेगा, मतलब इस फॉन्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इस फॉन्ट को भी सेव कर लेना, तो डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, तो सिंपली से इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, फॉन्ट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इनमें से आप सिर्फ इंपोर्टेड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही वाला फॉन्ट ही दिखेगा। ये फॉन्ट आ चुका है, अब इसे आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, देन आप देख सकते हो डिज़ाइन बदल गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, अब सेम काम आपको सभी में कर देना होगा, मतलब कि जितने भी आपके यहाँ पे फॉन्ट है या फिर टेक्स्ट है, इनके ऊपर क्लिक करके, एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाना है, फिर इसे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इसे आप सेलेक्ट करके जस्ट ओके कर लोगे, तो यहाँ पे इसका भी जो फॉन्ट होगा या फिर डिज़ाइन होगा वो बदल जाएगा। तो सिमिलर तरीके से आपको सभी में कर लेना होगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि इसका रेशियो तो यार वो नहीं है, गड़बड़ रेशियो है, तो रेशियो का टेंशन आप ना लो। ठीक है, जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल सेम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले हमें यहाँ पे सारे जो टेक्स्ट है उनका डिज़ाइन बदलना होगा। तो इनके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाके यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, डिज़ाइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी का जो डिज़ाइन है उसे बदल दिया है और सभी सही हो गए हैं। अब इनमें आपको थोड़ा सा ये चेंजेस करना होगा कि कब आपका मीन्स वैलेंटाइन डे है, सॉरी एनिवर्सरी डे। ठीक है, वैलेंटाइन डे कहाँ पहुँच गया मैं। ओके, कोई ना, तो एनिवर्सरी आपका कब है, डेट वगैरह उसे आपको चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है जून इतना को, बट इसे आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो, जो होगा आप वही लिखना। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाके यहाँ पे जून है तो इसे जून को आप हटा के जस्ट जो होगा आपका एक्चुअल उसे आप लिख देना। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी रेंडम लिख देता हूँ। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। तो ये हो गया, अब डेट जो होगा उसे भी चेंज करना होगा, तो फिर यहीं पे क्लिक करके एडिट के ऊपर जाके डेट भी आप चेंज कर देना, जो भी डेट वगैरह होगा। लाइक मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, फिर आपको डन कर देना है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट आपका कितना, मतलब कि कौन सा एनिवर्सरी है वो है, आप यहाँ लिख सकते हो। लाइक इसमें 12th लिखा हुआ है, आपका जितना एनिवर्सरी होगा वो आप लिख देना, यहाँ पे क्लिक करना, एडिट के ऊपर जाना एंड इसे चेंज कर लेना। लाइक इसे मैं 10th कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे डन कर देना है। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेना। फिर लास्ट में आपको नेम चेंज करना होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर जाना एंड नेम भी यहाँ से आप चेंज कर लेना, फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। तो हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चीज़ें चेंज हो गए, हमारी वीडियो बन गई है। अब आपको यहाँ पे एक जो दिक्कत दिख रहा होगा वो यही वाला है कि इसका रेशो इस तरीके से क्यों है, सही क्यों नहीं है, जैसा प्रीव्यू देखे थे उस तरीके से क्यों नहीं है। तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि आप यहाँ तक एडिटिंग कर लो, फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से क्वालिटी वगैरह चेंज कर लेना। लाइक इसके ऊपर क्लिक करके आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो, 4K चाहो तो 4K रख सकते हो, 1080 जो रखना रख लेना, 1080 भी इनफ रहता है। तो इसे को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, फिर ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और एक्सपोर्ट होने के बाद वो जो आपको रेशियो वाला दिक्कत दिख रहा है तो वो भी नहीं दिखेगा, मतलब रेशियो भी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, फिर आपको रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट हो चुका है एंड इसे मैं प्ले करके दिखाऊं, देन आप देख पा रहे हो इसका जो रेशियो है वो सही हो गया है एंड कितने कमाल का यहाँ पे एनिवर्सरी वाला जो वीडियो वो बन गया है। ठीक है, देख पा रहे हो, तो इस तरीके से करके बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये बनाना और काफ़ी सही भी लग रहा है, देख पा रहे हो। तो कम्प्लीटली आप बना लेना, मैंने जितने भी प्रोसेस थे वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सभी मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप गेन कर सकते हो। नौ बात रहा डिवाइस में सेव करने का, तो सेव का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।